मैं आप सभी को आपकी निष्ठा के लिए सीएजी की प्रासंगिकता और गरिमा को लगातार नई दिशा देने के लिए बधाई देता हूं। साथियों, बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो समय बीतते बीतते अधिक मजबूत होते हैं, अधिक मैच्योर होते हैं और अधिक उपयोगी होते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक आते आते ही स्थितियां इतनी बदल जाती हैं कि वो कभी कभी अपना रिलेवेंसी खो देते हैं। लेकिन सीएजी के संबंध में हम कह सकते हैं कि इतने सालों के बाद ये इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है, बहुत बड़ी अमानत है और हर पीढ़ी को उसे संभालना, उसे संवारना, उसके सजाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक उपयुक्त बना करके उसको संक्रमित करना, ट्रांसफर करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। साथियों, पिछली बार जब मैं यहां आया था, आप लोगों से मुलाकात हुई थी, तब हम महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे थे। उस कार्यक्रम में बापू की प्रतिमा का अनावरण किया गया था और आज जब ऑडिट डे का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है तो देश अपनी आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हमें देश की अखंडता के नायक सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला है। गांधी जी हो, सरदार पटेल हो या फिर बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र निर्माण में इन सभी का योगदान सीएजी के लिए, हम सभी के लिए, कोटि कोटि देशवासियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देश के लिए कैसे बड़े लक्ष्य तय किए जाते, कैसे उन्हें हासिल किया जाता है, कैसे व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाता है, इन महान व्यक्तित्वों की जीवन गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। साथियों, एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। सीएजी बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की एक सामान्य सोच बन गई थी और कभी कभी तो ये भी हो जाता था कि बाबू लोग ऐसे हैं, ऐसा ही देते हैं। बाबुओं को लगता था सीएजी वाले ऐसे ही हैं कि हर चीज में उनको नुस्ख भी नजर आता है। अरे कि अपनी अपनी बात थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। आज ऑडिट को वैल्यू एडिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी के पास आउटसाइडर व्यू पॉइंट का एडवांटेज होता है। आप जो कुछ हमें बताते हैं उससे हम सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट्स करते हैं, उसे हम अपने लिए एक सहयोग के तौर पर देखते हैं। मुझे लंबे अरसे तक
सरकारों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी अपने अधिकारियों से कहता था और आज भी यही कहता हूं, सीएजी में जो डॉक्यूमेंट और डेटा मांगे जाते हैं वो तो आप जरूर दीजिए, अपने काम से जुड़ी दूसरी फाइल्स भी उन्हें दीजिए। इससे हमारे लिए और बेहतर काम करने का स्कोप तैयार होता है, हमारा सेल्फ असेसमेंट का काम आसान हो जाता है। साथियों, शुचिता और पारदर्शिता हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या सरकार में, ये हमारे लिए सबसे बड़े मोरल बूस्टर होते हैं। उदाहरण के तौर पर, पहले देश के बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी की कमी के चलते तरह तरह की प्रैक्टिसेस चलती थी। परिणाम यह हुआ कि बैंकों के एनपीएस बढ़ते गए, एनपीएस को कारपेट के नीचे कवर करने का जो कार्य पहले के समय किया गया वो शायद मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुलकर के रख दी। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। इसी तरह आपकी तरफ से फिस्कल डेफिसिट को लेकर, सरकारी खर्चों को लेकर लगातार आगाह किया जाता था। हमने आपके कंसर्न्स को सकारात्मक तरीके से लिया, अनयूज्ड और अंडरयूज्ड एलिमेंट्स को मोनिटाइज करने के साहसिक निर्णय लिए। आज इन फैसलों के परिणाम फिर से गति पकड़ रही अर्थव्यवस्था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसका स्वागत सम्मान हो रहा है। सीएजी में जब आप इनका व्यापक आकलन करेंगे तो मुझे लगता है इन फैसलों के कई ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कभी कभी विशेषज्ञों से भी छूट जाते हैं। साथियों, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें जो पुरानी सोच है, सरकार सर्वम, सरकार जानम, सरकार ज्ञानम, इस पुरानी सोच को हमने बदलने का तय कर लिया और उसका परिणाम सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स, ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स, फेसलेस असेसमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इन सारे रिफॉर्म्स ने सरकार के गैर जरूरी दखल को खत्म किया है। सिस्टम में जब एक ट्रांसपेरेंसी आती है तो नतीजे भी हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। आज भारत पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज
50 से ज्यादा हमारे भारतीय यूनिकॉर्न खड़े हो चुके हैं। हमारे IITs आज चौथे सबसे बड़े यूनिकॉर्न प्रोड्यूसर बनकर उभरे हैं। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के इस अभियान में आप सभी को, देश की हर संस्था को सहभागी बनना है, ओनरशिप लेनी है, को ट्रैवलर के रूप में चलना ही चलना है। हमारी हर संवैधानिक संस्था के लिए ये अमृत काल का एक संकल्प, 2047 में जब हिंदुस्तान शताब्दी मनाएगा तब देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की ताकत के रूप में काम आएगा। साथियों, दशकों तक हमारे देश में CAG की पहचान सरकारी फाइलों और वही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। CAG से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी, और इसका जिक्र मैंने 2019 में भी जब आपके बीच में आया था मैंने उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि आप तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं, प्रक्रियाओं को आधुनिक बना रहे हैं। आज आप एडवांस एनालिटिक टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जियो स्पेशल डेटा और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनोवेशन हमारे संसाधनों भी उसमें भी होना चाहिए और हमारी कार्यशैली में भी होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि आपने प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को फील्ड ऑडिट से पहले ही डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना शुरू किया है। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। जब आप इन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स को अपनी फील्ड स्टडी के साथ कंबाइन करेंगे तब इसके परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। इसी तरह मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप ऑफिस से बाहर निकलकर ऑडिटीज और स्टेक होल्डर से मिले। आपने इस सुझाव को स्वीकार किया है। पिछले साल फरवरी में CAG के सीनियर ऑफिसर्स और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक सेमिनार भी किया था। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सिलसिला सेमिनार तक ही नहीं रुकेगा। ये CAG और विभागों के बीच पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करने का माध्यम बनेगा। जब मैं सुनता हूं कि ग्राम पंचायत की महिला प्रधान को आपने इस प्रक्रिया में शामिल किया है तो हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि आज हमारी संस्थाएं इस तरह के ओपन एनवायरनमेंट में जमीन से जुड़कर काम कर रही है। ये इवोल्यूशन, ये अनुभव CAG को और उसके साथ साथ हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज्म को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जितनी स्ट्रांग और जितनी साइंटिफिक हमारी ऑडिटिंग होगी उतनी ही हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और मजबूत होगी। साथियों, कोरोना के मुश्किल समय में भी CAG ने कितनी तन्मयता के साथ काम किया इसकी जानकारी मुझे मिलती रही है, और अभी कुछ बातें मुर्मू जी से भी सुनने को मिली। दुनिया के दूसरे बड़े देशों से होती हुई कोरोना की लहर हमारे यहां पहुंची थी। इतनी बड़ी आबादी की चुनौती हमारे सामने थी।
सीमित संसाधनों का दबाव हमारे हेल्थ वर्कर्स पर था, लेकिन देश ने इलाज से लेकर बचाव तक हर फ्रंट पर युद्ध स्तर पर काम किया। बड़े बड़े देशों के पास अगर व्यापक संसाधन थे तो हमारे पास अतुलनीय सामाजिक शक्ति थी। मुझे बताया गया है कि सीएजी ने भी अपने दायित्वों से आगे बढ़कर आम जनता को वैक्सीनेशन में भी मदद की। इसी स्पिरिट के साथ देश की हर संस्था, हर देशवासी अपने कर्तव्य के पालन में जुटा हुआ था। हमने ये नहीं देखा कि हमारा काम क्या है, हमने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही है। आज हम दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले ही देश ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का पड़ाव पार किया है। मैं चाहूंगा कि अपने रूटीन कामकाज के साथ साथ सीएजी महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई के दौरान जो अच्छी प्रैक्टिसेस डेवलप हुई है उनका अध्ययन करें। देश ने इससे जो कुछ नया सीखा, नया अपनाया, जो सिस्टमैटिक लर्निंग्स हुई, वो भविष्य में ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस बनने में भी मदद करेगी। दुनिया को भावी महामारियों से लड़ने के लिए तैयार करेगी, मजबूती देगी। साथियों, पुराने समय में इंफॉर्मेशन स्टोरीज के लिए प्रसारित होती, कहानियों के जरिए ही इतिहास लिखा जाता था, लेकिन आज 21वीं सदी में डेटा ही इंफॉर्मेशन है और आने वाले समय में हमारी हिस्ट्री भी डेटा के जरिए देखी और समझी जाएगी। इन फ्यूचर डेटा विल बी डिक्टेटिंग द हिस्ट्री। और बात जब डेटा और उसके असेसमेंट की होती है तो मैं समझता हूं आपसे बढ़कर के कोई मास्टर नहीं है इसका। इसलिए आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश जो प्रयास कर रहा है, जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, भविष्य में जब देश के इन प्रयासों का, इस कालखंड का आकलन किया जाएगा तो आपका काम, आपके दस्तावेज उसका एक प्रामाणिक आधार बनेंगे। जैसे आज हम अपने स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास को देखते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं, वैसे ही जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो आपकी आज की स्टडी रिपोर्ट्स उस समय के भारत के लिए अपने इतिहास में झोंकने का, उससे सीखने का जरिया बन सकती है। साथियों, आज देश ऐसे कितने ही काम कर रहा है जो अपने आप में अप्रत्याशित भी हैं और अभूतपूर्व भी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र अभी जब मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर कर रहा था, इसी तरह आप अनेकानेक संकल्पों में लगे हुए देशवासियों के कितने ही प्रयासों को देख सकते हैं।
कुछ साल पहले तक हम सरकारी खातों में लाखों करोड़ का हिसाब किताब तो करते थे, लेकिन सच्चाई ये भी थी कि देश के करोड़ों नागरिकों के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं था। कितने ही परिवार ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, सर के ऊपर पक्की छत नहीं थी, पीने के पानी की सुविधा हो, बिजली का कनेक्शन हो, घर में शौचालय हो, गरीब से गरीब को इलाज की सुविधा हो। हमारे ही देश में करोड़ों लोगों के लिए ये बुनियादी जरूरतें लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज ये परिस्थिति बदली है और तेजी से बदल भी रही है। देश अगर इस मुकाम तक पहुंचा है तो इसके पीछे कितने ही देशवासियों की दिन रात की मेहनत है, उनका कितना परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे हेल्थ सेक्टर के लोग हो, बैंकिंग सेक्टर के लोग हो, सरकारी विभागों और प्रशासन के लोग हो, या फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, इन सब ने एक अभूतपूर्व सामंजस्य के साथ असाधारण स्तर पर काम किया है, तब जाकर गरीब की चौखट तक उसके अधिकारों की डिलीवरी संभव हुई है, तब जाकर देश के विकास को यह गति हासिल हुई है। साथियों, समाज में इन फैसलों का असर इतना व्यापक होता है कि उन्हें हम तभी समझ पाते हैं जब इस दिशा में फोकस स्टडीज की जाए। सीएजी को भी देश के इन प्रयासों का, इन परिणामों का आकलन करना चाहिए।